समूनो विरुज्यते इन्दखीलूपमूतादिसुब्बतो रहदोव अपेतकद्दमो संसारान भवन्ति तादिनो। इंद्रकील के समान अचल व्रतधारी उसी तरह क्षुब्ध नहीं होता जैसे पृथ्वी, उस स्थिर पुरुष में उसी तरह संसार का मल प्रवेश नहीं करता जैसे कर्दम रही सरोवर में। तो उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे कि पिछले सप्ताह में हमने अरहत वग्ग की गाथा क्रमांक 95 इस गाथा का अर्थ समझ लेने का प्रयास किया था और इस गाथा से संबंधित जो कहानी है, विशेषता सारिपुत्र जो तथागत के अग्र श्रावक रहे हैं और धर्म सेनापति के नाम से जाने जाते रहे हैं, उनसे संबंधित यह कहानी हमने सुनी थी और उस गाथा का अर्थ हमने देखा था। उसमें यूँ बताया गया कि अर्हत व्यक्तिमत्व के जो विशेषताएं हैं उसमें की दो तीन बातें उस गाथाओं में हमने समझने का प्रयास किया। जैसे कि इंद्रकील होता है और धरती होती है, धरती पर आप फूलों की वर्षा करते हो या धरती पर कीचड़ होता है तो धरती किसी का रोष नहीं करती, धरती किसी के साथ में रंजिश नहीं करती, धरती किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती। इसी प्रकार से इंद्रकील जो होता है, यानी पुराने प्राचीन समय में जो इंद्रकील जिसे कहा जाता था, प्रवेश द्वार के सामने एक भारी भरकम खंभा हुआ करता था, उस खंभे को उखाड़ना मुश्किल होता था। तो उसी प्रकार से अरहत जो होता है वह काफ़ी स्थिर होता है, उसका मन काफ़ी अडीग पर्वत के समान स्थिर और शांत होता है, अविचल होता है। और उसके साथ साथ शांति के उदाहरण के लिए तथागत ने कहा था कि कर्दम विरहित जो जलाशय होता है, जिस जलाशय में किसी भी प्रकार का कीचड़ नहीं होता है, पानी बिल्कुल साफ होता है, साफ पानी में आप काफ़ी गहराई तक ऊपर से अंदर तक देख सकते हो, इस प्रकार से शांत चित्त होता है, शांत मन होता है, वह यानि अरहत यानि व्यक्तिमत्व की विशेषता होती है। इस तरह से यह गाथा हमने समझने का प्रयास किया और सारिपुत्र की कहानी इससे संबंधित जो थी वह हमने यानि समझने की कोशिश की है। इसमें एक बहुत ही सुंदर शब्द प्रयोग आया था जिसका जिक्र आने वाली गाथा में भी फिर से तथागत ने उसी शब्द को इस्तेमाल किया है और वह है तादिनो। तादिनो का मतलब होता है निश्चल, इतना शांत। यानी किस प्रकार की शांति होती है कि जैसे आम आदमी को जो अच्छी अच्छी बातें लगती है तो उसमें वह आसक्त होता है, वो अच्छी लगने की वजह से उसे बार बार यानी प्राप्त करने की इच्छा निर्माण होती है। उसी प्रकार से जो बातें उसे अच्छी नहीं लगती उसका उसे तिरस्कार उत्पन्न होता है। तो शांत मन यानी ऐसा होता है वो ना आसक्ति में फंसता है और वो ना तिरस्कार में जाता है, तो तिरस्कार से विरहित हो जाता है और आसक्ति से भी पूरी तरह से संपूर्णता से बाहर निकल आता है। इस तरह से निश्चल, इस तरह से शांत, जैसे कि हम लोग मानो यानी पढ़ते हैं प्रशांत महासागर होता है, तो प्रशांत महासागर की पानी की सतह कैसे होती है, काफ़ी यानी शांत होती है। काफ़ी दूर तक आप चले जाएंगे फिर भी पानी की सतह आपको शांत भरी हुई मिलेगी। तो इस प्रकार से निश्चल शांति जैसा मन अरहत यानी व्यक्तिमत्व का यह विशेषता होती है। उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि इस प्रकार की स्थिरता या शांति प्राप्त करने के लिए हमें हमारे जीवन में अच्छे तरीके से, उत्तम तरीके से आचरण करने की आवश्यकता होती है और उस आचरण को व्रत के रूप में, संकल्प के रूप में, दृढ़ संकल्प, एक पक्का निश्चय, इस रूप में अगर हम शील का आचरण करते हैं तो इस प्रकार की शांति या स्थिरता की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तथागत के जैसा अरहंत, तथागत के शिष्यों के जैसा हम भी इस यानी मनोवस्था का विकास कर सकते हैं। इसलिए उसमें शब्द प्रयोग आया था उत्तम व्रतधारी।
उत्तम व्रतधारी, यानी व्रत गलत भी हो सकते हैं, मकसद आपका गलत हो सकता है, भीतर में आपके मन में आपके चित्त में आपके संकल्प अलग अलग तरीके से यानी नकारात्मक बातों से भी जुड़े हो सकते हैं, इसलिए वहाँ शब्द प्रयोग किया गया है उत्तम व्रतधारी। व्रत भी कैसे होना चाहिए, संकल्प भी कैसे होना चाहिए, तो बेस्ट यानी उत्तम एक्सलेंट ऐसा व्रत होना चाहिए। उसके लिए फिर मैंने उदाहरण दिए थे कि आप छोटे छोटे संकल्प कर सकते हैं, शील का संकल्प ले सकते हैं, वाणी के शील का, मैं एक सप्ताह के लिए वाणी के शील का आचरण करूँगा, इस प्रकार से छोटे छोटे संकल्प आप ले सकते हैं। ऐसा मतलब मैंने पिछले सप्ताह के प्रवचन में आप सभी को इस पर कुछ बातें बताई थी, और उसमें और एक बात जो हम लोग देखना शुरू किए थे और उसका अंतिम हिस्सा जो देखने का था, सामने की कुछ बातें हमने देखी थी, वह यानी आम आदमी जो है, यह आम आदमी अस्थिर क्यों होता है, बेचैन क्यों होता है, अस्वस्थता क्यों आती है, इस प्रकार से उसकी अस्थिरता, उसकी बेचैनी, इसकी अस्वस्थता, ये सारी जो विचलित होना, ये बातें किससे आती है, तो तथागत ने महामंगल सूत्र में जो बताया, जिसका हमने पिछले सप्ताह में यानी प्रवचन में हमने जिसके बारे में सुने, वह है लोक स्वभाव। इसका नाम ही देखिए, लोक स्वभाव यानी लोक यानी ये कॉमन सभी के लिए सर्वसामान्य यह स्वभाव की बात है। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितने भी लोक है, जितने भी मनुष्य है, सभी मनुष्य मात्र इस प्रकार की प्रवृत्तियों से ग्रसित होते हैं, युक्त होते हैं, इसलिए इसे कहा गया है लोक स्वभाव। फुट्ठस्स लोक धम्मे ही चित्तंग यस्सन कंपति अशोकंग वीरजंग खेमंग एतंग मंगलम उत्तमंग, इस प्रकार की गाथा में महामंगल सूत्र में लोक स्वभाव की बात की गई है। अर्हत जो होता है इस लोक स्वभाव के बाहर निकल जाता है, ये जो लोक स्वभाव है जो आम आदमी को अस्थिर करते हैं, बेचैन करते हैं, अस्वस्थ बना देते हैं, अविचलित यानी मनोवस्था से दूर लेके जाते हैं, हम बहुत ही यानी जल्दी विचलित हो जाते हैं, हमारा मन काफ़ी चंचल है, हमारे मन में यानी जिसे कहेंगे कि हेतु सातत्यता न होने के कारण इस प्रकार की मनोवस्था में हम जल्दी ही फंस जाते हैं। तो लोक स्वभाव से बाहर निकलने का प्रयास करना, यह बात हमने यानी पिछले सप्ताह में इसकी शुरुआत की थी देखने के लिए, और उसमें हम आगे बढ़ते हैं। पहली जोड़ी हमने देखी थी और वह जोड़ी है लाभ और हानि। जितना लाभ होता है तो अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, और हानि हुई तो नुकसान हुआ तो हमें दुख होता है, इस प्रकार से उस जोड़ी के बारे में हमने थोड़ा सा जानने का यानी प्रयास किया है। उसमें हमने दो तीन उदाहरण देखे थे, देवदत्त का उदाहरण देखा था, दो भाइयों की कहानी के बारे में हमने यानी देखा था, उसके पश्चात हमने प्रवचन के अंत में धम्मराम स्थवीर की कहानी सुने थे, और धम्मराम स्थवीर यानी उस कहानी में यह बताया गया है धम्मराम स्थवीर की कि धम्म का आचरण करने से आपकी कभी भी हानि नहीं होती। उस कहानी से यह बोध दिया गया है कि धम्म का आचरण करने से जीवन भर आपकी कभी भी आपकी हानि नहीं होगी, आपका नुकसान कभी नहीं होगा। इसलिए धम्मराम ने जिस प्रकार से यानी 3 महीने के भीतर में तथागत ने घोषणा की, फरवरी माह में मैं अभी आने वाले 3 माह में परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण को जाऊंगा, और वैशाख पूर्णिमा को वो महापरिनिर्वाण को गए, तो धम्मराम को लगा कि तथागत का महापरिनिर्वाण हो जाएगा और मैं अभी तक मतलब अर्हंत नहीं हुआ हूँ, तो इसलिए पूरी तरह से वो सारी शक्ति जुटाकर अर्हत होने के पीछे यानी लग गया, पूरी ताकत के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में आचरण में जुट गया। इस बात को लेकर तथागत कहते हैं कि जो यानी धम्मराम स्थवीर कर रहा है, आप सभी लोग उस प्रकार से करेंगे तो बुद्ध को आनंद होगा, बुद्ध को खुशी होगी, है ना। बुद्ध जो है वो चाहते हैं कि आप सभी बुद्धत्व को प्राप्त करें, बोधि को प्राप्त करें, इसलिए बुद्ध की पूजा, बुद्ध की सही पूजा क्या है, तो बुद्ध के जैसा बनना,
बुद्ध के जैसा मैत्री, करुणा, मुदिता, इन सद्गुणों का, इन मानवीय गुणों का विकास करना, यानी बुद्ध की सही पूजा है। यहाँ तक हम पहुँचे थे। इसके आगे अब हम लोग चलते हैं दूसरी जो जोड़ी है लोक स्वभाव की, वह जोड़ी है जिसे कहा गया है यश और अपयश, और उसे किस प्रकार से हम लोग समझते हैं, सफलता या असफलता। यानी हमारे जीवन में यह दोनों साथ साथ चलते रहती है। अभी जैसे हम बहुत सारे लोग अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने बस्तियों में, विहार समितियों में भी काम करते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं। बाबा साहब की जयंती आती है, बुद्ध जयंती आती है, अन्य महापुरुषों की जयंतियाँ आती है, तब हम लोग कार्य करते हैं, है ना। समिति मिलकर कुछ निर्णय लेती है और काम करती है। काम सफल हो गया तो सभी को खुशी होती है, सभी को बड़ा अच्छा लगता है। और काम में कुछ गलतियां हुई और असफलता मिली तो फिर क्या होता है, समिति में आपस में एक दूसरे को हम दोष देना शुरू करते हैं, एक दूसरे को हम यानी लताड़ित करते हैं। और अच्छा काम हुआ तो क्या करते हैं, मैंने यानी मेरी वजह से ये सफलता मिली, उसका क्रेडिट लेने के लिए, उसका श्रेय लेने के लिए हम तुरंत आगे आते हैं। यानी सफलता मिलती है तो क्रेडिट के लिए आगे आ जाते हैं, और असफलता मिलती है तो क्या करते हैं, दूसरे को दोष देते हैं। इस प्रकार से इस लोक स्वभाव में बहुत ही आसानी से हम इस लोक स्वभाव में फंस जाते हैं, और हमारे हाथ से यानी अकुशल कर्म यानी हो जाता है। इसलिए इस असफलता का यानी परिणाम इतना ज़्यादा दिखाई देने पड़ता है। इसलिए आवश्यकता किस बात की है, हमें आत्मविश्वास की जरूरत होती है, धम्म पर श्रद्धा की जरूरत होती है। धम्म की श्रद्धा के कारण, आत्मविश्वास के कारण हम जीवन सक्षमता से यानी जी सकते हैं। यह यानी आत्मविश्वास हमारे भीतर में होना जरूरी है, अन्यथा ये असफलता जो है आपको आपके मनुष्य जीवन से भी उठा लेती है। बात समझ में आ रही है कि यह असफलता का जो एक प्रकार से इसे यानी आत्मविश्वास का अभाव कह सकते हैं, या इसे यानी निम्न स्तर की अहंकार या निम्न स्तर का यानी जिसे कहेंगे कि संभ्रम के कारण या नशा के कारण ऐसा हमारे साथ में होता है। अब जिसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, अभी अभी की बात है, ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है, दो एक माह पहले की बात है। हमारे एक परिचित है, उस परिचित हमारे जो है उनके बेटे को 10वीं कक्षा में 75+ उसको परसेंटेज हासिल हुए। कितने आ गए उसको, 75+ परसेंटेज आ गए, और उसने जी मेन और एडवांस की भी परीक्षा दे दी। लेकिन इसके बावजूद उसका जो प्रवेश जो है उसे IIT में नहीं मिल पाया, और NIT में भी नहीं मिल पाया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों में उसको प्रवेश नहीं मिल पाया। उसको प्रवेश मिला यहाँ यानी रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला। तो वो क्या कहता है कि यहाँ प्रवेश किस मतलब यानी इसमें मिला उसको, तो जो मैनेजमेंट का जो यानी कोटा होता है उस मैनेजमेंट कोटे में उसको रामदेव बाबा में प्रवेश मिला। तो उसने अपने उसको उसके यानी पिता ने समझाने का प्रयास किया, देखिए भाई पहला राउंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का चला, उसमें प्रवेश नहीं मिला, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आपने यानी दुख मनाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ आपके लिए। फिर सेकेंड राउंड चला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, जैसे नागपुर में VNIT है, वहाँ पर भी उसे प्रवेश नहीं मिला। वो इतना निरुत्साहित हो गया, इतना निराश हो गया, और उसको लगा कि अब मुझे प्रवेश मिलने वाला नहीं है। और फिर तीसरे राउंड में उसको प्रवेश मिला रामदेव बाबा में, वो भी मैनेजमेंट कोटे में। तो उसको क्या लगा, मैं अगर मैनेजमेंट कोटे में प्रवेश मतलब लूँगा तो मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे
कि ये बच्चे में यानी ये हमारे दोस्त में क्षमता नहीं है आईआईटी में प्रवेश लेने की और एनआईटी में प्रवेश लेने की, इस वजह से वो मुझे यानी क्या करेंगे, कमज़ोर समझेंगे, मुझे छोटा समझेंगे, मुझे सक्षम नहीं समझेंगे। ये असफलता का परिणाम इतना गहरा हुआ, माता पिता को ड्यूटी पर जाने दिया, है ना। पिताजी यानी बैंक में मैनेजर की मतलब यानी पोस्ट पर काम करते हैं और माता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में एमएससीबी में कार्यरत है। इतने अच्छे परिवार से होने के बावजूद भी दोनों को जाने दे दिया और बाद में घर में उसने फांसी लगा ली। असफलता इतने सिरे पर आपको ले जा सकती है, इसका नशा जो है या इसका यानी परिणाम जो है इतना भारी यानी हमारे यानी मनुष्य जीवन पर होता है। इस प्रकार से कई यानी अन्य ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। ये तो वो दसवीं पास बच्चे का है। दूसरा एक उदाहरण है, ये प्रमाण आप लोगों को मैं सजग करना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी तरह से नई पीढ़ी के बदलाव के अनुसार समझने का प्रयास कीजिए। अपनी बातें उस पर यानी थोपने का या लादने का प्रयास मत कीजिए। ये दसवीं कक्षा के बच्चे का यानी हकीकत हुई ऐसी घटना नागपुर शहर की है, अखबारों में आई हुई है। और इसके पश्चात दूसरा छोटा सा उदाहरण देता हूँ। दोनों भाई बहन टीवी देखते हुए घर में बैठे थे, बहन छोटी थी और भाई बड़ा था, है ना, भाई नवीं कक्षा में और बहन सातवीं कक्षा में। दोनों में लड़ाई हो गई टीवी देखने के लिए। पिताजी ने आके बेटे को डांट दिया और कहा कि बेटा तुम बड़े हो, समझना चाहिए आपने, ये समय उसको यानी देखने दो, और रिमोट बेटे के हाथ से छीन कर वो छोटी बच्ची के हाथ में दे दिया। ये बेटा चला गया रूम में, दरवाज़ा लगा लिया, किसी को कोई खबर नहीं, और इसने भी खुद को हैंग कर लिया। इस प्रकार के उदाहरण ये नई पीढ़ी में तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए माता पिता करके हमने बहुत सजग और जागृति के साथ में बदलते हुई दुनिया के साथ में हमने भी यानी बदलने का प्रयास करना है और बेटे को आत्मविश्वास देकर उसे खंबीरता से जीवन जीने के लिए खड़ा करना है। कितनी भी भारी असफलता क्यों न मिले, फिर भी हमारा बेटा यानी मनुष्य करके जीवित रहने की आवश्यकता है। हम ये सब जानते हैं, समझते हैं, ये शरीर जीवित है तो ये साधन जीवित है बुद्धत्व की तरफ जाने के लिए। अगर ये शरीर ही जीवित नहीं है आपके पास में तो बुद्धत्व तो क्या, यानी कोई भी जीवन की सफलता सारी आपसे छूट गई, सारी आपसे खत्म हो गई। तो इस प्रकार से यानी सफलता और असफलता का परिणाम हम हमारे यानी जीवन पर होते हुआ देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। कोई व्यापारी होता है, कोई धनी होता है, गलत राह में चला जाता है, जुआ खेलता है, व्यापार का पैसा जुए में लगाकर बर्बाद हो जाता है, समाज में मुंह दिखाने की ताकत उसके पास नहीं रहती है, आत्मविश्वास नहीं होता है, तो क्या करता है वो किसी नए शहर में जाकर किसी लॉज में जाकर अपने आप को खत्म कर लेता है। जीवन जीने की जो एक सक्षमता जो है, जीवन जीने के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए, असफलता के कारण वह खो देता है। इस प्रकार की यानी निम्न स्तर की मनोवस्था में आदमी चला जाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, हमने काफ़ी सजगता से हमारे जीवन में यह सफलता और असफलता को लेकर जो भी घटनाएं होती है उसके बारे में हमने जागरूक रहना चाहिए और अच्छा विश्वास यानी वातावरण हमारे परिवार में पैदा करने की प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा परिवार सुखी और आनंदित रह सके। हमने काम करने की आवश्यकता है, यश और ये अपयश जिसे कहा गया है, इसमें अगर देखने की बात है तो तथागत क्या कहते हैं, निस्वार्थता से कार्य करना। सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इसको बाजू में रख दीजिए, निस्वार्थता से काम करने के बारे में सोचिए, है ना। क्या करने का प्रयास करना है, प्रवृत्ति, मानवीय प्रवृत्ति किस प्रकार से विकसित करनी चाहिए,
निस्वार्थता से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए, तभी सही अर्थों में संरक्षित जी क्या कहते हैं, हमारा आध्यात्मिक विकास हो रहा, हमारा धार्मिक विकास हो रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अगर उसमें किसी लोक स्वभाव के भीतर चले गए तो हम आध्यात्मिकता से, धार्मिक विकास से या आंतरिक विकास से हम कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं, ऐसा समझने की आवश्यकता है। हम खुद ही ये चीज़ें ध्यान में ले सकते हैं। इसलिए लोक स्वभाव को बार बार याद कीजिए और लोक स्वभाव के अनुसार अपने जीवन में देखने का प्रयास कीजिए कि मुझे कौन सा लोक स्वभाव ज़्यादा भारी पड़ता है, कौन सा लोक स्वभाव मुझे तकलीफदायक है। इस प्रकार से लोक स्वभाव को स्मृति के साथ में देखने का प्रयास कीजिए और उससे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। अज्ञान के कारण, यानी हम लोग कैसा कहते हैं, मैंने इतना किया, मैंने समाज के लिए इतना काम किया, ढेर सारा मैंने समाज के लिए योगदान दिया, लेकिन समाज ने मुझे क्या दिया। ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग हैं समाज में। मैंने खूब काम किया समाज को बदलने के लिए, बच्चों को बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, समाज के लिए ढेर सारी मेहनत मैंने की, मेरी उम्र के 50-60 साल तक काम किया, लेकिन समाज ने मुझे क्या दिया। ऐसे कहने वाले भी लोग हैं। ये अज्ञान के कारण कहते हैं, लोक स्वभाव में फंसे होने के कारण ये कहते हैं। अगर वो व्यक्ति लोक स्वभाव से बाहर निकल जाता है तो वो इस तरह से नहीं कहेगा। तथागत का धम्म आपको लोक स्वभाव से ऊंचा उठाता है, आपको उसमें से बाहर निकलता है। आम आदमी की जो मानवीय प्रवृत्तियाँ होती है, नकारात्मक प्रवृत्तियाँ होती है, उससे धम्म आपको ऊंचा उठाता है, बाहर निकलता है। इसलिए ऐसे भी हमारे भीतर में लोग हैं, हमारे यानी बुजुर्गों का कहिए या फिर पीढ़ी में के यानी लोगों का दोष कहिए, अभी का युवा वर्ग अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे युवाओं को बाबा साहब के बारे में नहीं जानकारी, बहुत सारे युवाओं को बुद्ध के बारे में नहीं जानकारी। यहाँ तक का युवा वर्ग सवाल कर देता है कि अज्ञान के कारण ये सवाल करता है कि बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए क्या क्या किया, हम नहीं जानते। इस वजह से वो सम्मान करने के लिए भी आगे आ नहीं पाता। तथागत के सामने झुकने के लिए मोमबत्ती, फूल, अगरबत्ती अर्पण करने के लिए भी उसमें आत्मविश्वास दिखाई नहीं देता, अपने आदर्शों के प्रति श्रद्धा उसमें दिखाई नहीं देती। ये किसका परिणाम है, तो ये हमारे अज्ञान का परिणाम है। इसलिए बुजुर्गों की, माता पिता की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, ये हमने ध्यान में लेने की आवश्यकता है। इसके पश्चात हम लोग यानी आगे बढ़ते हैं कि तीसरी पेयर जो आती है वह है निंदा और स्तुति। निंदा और स्तुति में क्या होता है, निंदा और स्तुति में क्या होता है, हमारी स्तुति कोई भी कर देता है, कोई भी आपके बारे में, आपके हित में अच्छा बोलता है तो आपको क्या होता है, आनंद होता है, आपको प्रसन्नता होती है, थोड़ी सी छाती जो है थोड़ी सी यानी फूल जाती है, अहंकार भी, वाह भाई वाह मैंने कितना अच्छा काम किया, है ना, इस तरह से अहंकार भी आपका यानी बढ़ जाता है। स्तुति करने के कारण अहंकार बढ़ जाता है, प्रसन्नता जरूर होती है, आनंद जरूर होता है, लेकिन उसके साथ साथ किसी ने आपकी निंदा की तो फिर कैसे लगता है, आपको दुख लगता है, आपको बुरा लगता है। किसी ने आपका दोष बताया कि भाई साहब ये जो बात है ना आपके व्यक्तिमत्व में ठीक नहीं है, अगर इतना ये भाग आपने विकसित कर लिया, छोड़ दिया, निकाल दिया जो नकारात्मक है, तो आपके जीवन को चार चांद लग जाएंगे, आपका व्यक्तिमत्व जो है बहुत सुंदर बन जाएगा। लेकिन ये बात की तरफ आप ध्यान दीजिए, ऐसा किसी ने कहा तो आपको खुशी नहीं होती, आपको दुख होता है, क्योंकि आप उसे कैसा लेते हैं, ये मेरा दुश्मन है, आप कैसा लेते हैं उसे, ये मेरा दुश्मन है, मेरी अच्छी बातें इसको दिखाई नहीं देती, इसलिए ये मेरी यानी मेरा दोष दिखा रहा है, मेरी निंदा कर रहा है। भाइयों और बहनों, आपको बौद्ध इतिहास का उदाहरण अपने सामने है। हमें जो विरासत मिली है, हमें जो विरासत वारसा जो मिला हुआ है, वो कितना खूबसूरत, कितना प्राचीन और सुंदर है। हमने सभी ने अजंता एलोरा देखा है, अजंता एलोरा के इतनी खूबसूरत बुद्ध मूर्तियों के नीचे कहीं किसी का नाम पढ़ा है आपने,
किस यानी व्यक्ति ने वह बुद्ध मूर्ति बनवाई, अजंता के बोलिए, एलोरा के बोलिए, या भारत देश के कहीं भी बौद्ध लेनियों में आप चले जाइए, हाँ आप कहीं देखते हैं वह? ये इस तरह की यानी विश्व प्रसिद्ध रचना जो है, वहाँ अजंता की विश्व प्रसिद्ध रचना जो है, चित्र जो है, वह पद्मपाणि का है। पूरा विश्व उस पद्मपाणि को देखने के लिए अजंता में आता है, भारत में आता है। इतनी सुंदर कलाकृति कौन निर्माण कर सकता है जो इस लोक स्वभाव के बाहर निकला हुआ है, जो अरहंत उस यानी स्तर का व्यक्तिमत्व है, जो श्रोतापन्न होगा, सकृदागामी होगा, अनागामी होगा, है ना, अरहंत होगा। इस प्रकार से लगभग साहित्य यह कहता है कि 20 से 30 हजार भिक्खु समुदाय अजंता के परिसर में रहता था, और वहाँ ये इतने उच्च स्तर के भिक्खु होने के कारण इतनी सुंदर कलाकृतियाँ आज भी कई हजार साल बीत गए, आज भी वह कायम हैं और पूरे विश्व से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। वहाँ मूर्ति के नीचे किसी मूर्तिकार ने अपना नाम लिखकर नहीं छोड़ा है। तो कलाकृति विश्व स्तर की कब निर्माण होती है, उच्च स्तर की कलाकृति कब निर्माण होती है, जब हम इस प्रकार की नकारात्मक या लोक स्वभाव से बाहर निकलते हैं, ध्यान साधना और शील के आचरण से उच्च मनोवस्था को प्राप्त करते हैं, तब जाके इस प्रकार की रचनाएं मनुष्य के हाथों द्वारा निर्माण होती है। इसकी बेमिसाल या बहुत ही सुंदर ऐसा उदाहरण देखेंगे तो यह यानी अजंता एलोरा का यह उदाहरण है। हम इतने छोटे छोटे बातों में लटक जाते हैं, इतनी छोटी छोटी बातें, हम धम्म मित्र हो जाते हैं, हम धम्मचारी हो जाते हैं, इतनी छोटी सी बात में लटक जाते, भाई ये कार्यक्रम में मुझे आभार नहीं दिया, आभार प्रदर्शन करने का मौका नहीं दिया, भाई ये काउंसिल ने हमको धम्मचारी होते हुए भी हमको प्रवचन देने का मौका नहीं दिया। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों में हम लटक जाते हैं। लोक स्वभाव से बाहर निकलने के लिए धम्म दिया हुआ है, मेरे भीतर में फिर सवाल पैदा हो जाता है कि भाई बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने के लिए आप आए हुए हैं सभी, बरोबर है? आप बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने के लिए आए कि नहीं, धम्म का प्रशिक्षण लेने के लिए आए कि नहीं, आप धम्म सीख रहे हैं, बुद्ध धम्म संघ को शरण कैसे जाना उसका प्रशिक्षण ले रहे हैं, फिर ये बात बीच में कहां से आ जाती कि मुझे पुण्यानुमोदन का काम नहीं दिया, मुझे प्रवचन का काम, ये भीतर में कहां से आ गया? आपका तो मकसद नहीं है, आप भाई प्रवचन देने के मकसद से आए हुए हैं क्या? नहीं, शरणगमन करने के लिए आप आए हुए हैं। बुद्ध धम्म संघ के जैसा वो तीन रत्न अपने हृदय में निर्माण करने के लिए आप आए हुए हैं। आप कोई भी यह यानी जिम्मेदारियां आपको मिलती है, यह अच्छी बात है, यह खुशी की बात है, उसे निभाइए, लेकिन ना मिलती है तो फिर दुखी भी मत होइए, अपने आप को इतना ऊंचा उठाइए, तभी तो जाकर आम आदमी के सामने हम अच्छा उदाहरण पेश कर पाएंगे, लोग आकर्षित कब होंगे? अगर आप उच्च दर्जे की काया वाणी और मन के द्वारा कृति करेंगे, एक्शन करेंगे, शरण गमन करेंगे, तो लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे। और मैंने भी इस तरह से बुद्ध धम्म संघ को शरण जाना चाहिए, मैंने भी बुद्ध का बाबा साहब का अच्छा शिष्य बनना चाहिए, उसे प्रेरणा मिलेगी आपके यानी आचरण द्वारा। इसलिए आवश्यक है इस लोक सभा से हम यानी बाहर निकलने की हमें आवश्यकता है। हमारे यहाँ यानी बहुत बार ऐसा भी होता है, कभी कभी हम भी आप लोगों से कहते हैं कि भैया इस यानी जगह के विकास के लिए, इस विहार के विकास के लिए आप जितना अच्छा हो सकता है दान दीजिए, लेकिन दान के पीछे फिर आ जाती है अपेक्षाएं, है ना, फिर आ जाती है भाई भाई मेरे दादाजी का नाम दोगे क्या, मेरे नानी का नाम दोगे क्या, मेरे जवान बेटे का देहांत हो गया उसका नाम दोगे क्या? जहाँ जहाँ भी क्या होती है यानी आपकी स्तुति होना चाहिए ना, भाई साहब अरे क्या बढ़िया यानी कितना अच्छा आदमी है, 50,000 रुपया बुद्ध विहार को दान दिया, स्तुति होना चाहिए। अपेक्षा क्या है,
मुआवजा मिलना चाहिए दान के भीतर में। इसलिए इस प्रकार से हम लोग लोक स्वभाव में कैसे यानी सूक्ष्मता से फंस जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। हम तो यहाँ धम्म प्रशिक्षण लेने के लिए और ये भव चक्र से बाहर निकलने के लिए आए हैं, लेकिन कैसे लोक स्वभाव में और भव चक्र में फंस जाते हैं ये पता भी नहीं चलता है। इसलिए बहुत ही उच्च स्तर की जागृति की जरूरत होती है, स्मृति की यानी जरूरत होती है। इसलिए मराठी में जो कहावत है बहुत ही सुंदर कहावत है, निंद काचे घर असावे शेजारी। हम लोग क्या देख रहे हैं, निंदा और स्तुति को देख रहे हैं। इसलिए विकास कब होता है, जब आप पर दोष देने वाला आपके पड़ोस में रहता है तब आपका विकास होता है। वो आपको बताता है भाई साहब ये गलत है, ये व्यक्तिमत्व में आपके शोभा नहीं देता है, और आपको मौका देता है कि इसे दुरुस्त करो, इससे बाहर निकलो, है ना। तो जो आदमी निंदा करता है आपको मौका प्रदान करता है दुरुस्त होने के लिए, लोक स्वभाव से बाहर निकलने के लिए, तो फिर ऐसे आदमी का तो सम्मान करना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन होता है उल्टा, हम उसे अपना दुश्मन समझ लेते हैं। इस तरह से अहंकार के कारण हमें यानी हमारा दोस्त कौन है और हमारा यानी दुश्मन कौन है ये भी पहचान हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए अहंकार को नीचे खींचना है और स्मृति के द्वारा हमारा मित्र कौन है और हमारा शत्रु कौन है इसे पहचान कर धम्म आचरण में हमें आगे आगे ले जाने के लिए प्रयास यानी करते रहना है। निंदा में क्या होता है, निंदा में हमारा द्वेष समाविष्ट होता है। कभी कभी ये बातें हमें दिखाई देती है कि निंदा में द्वेष समाविष्ट होता है और उस द्वेष को फिर व्यक्त करने के लिए हमारी वाणी भी यानी बेबनाव की यानी होती है, हमारा सुसंवाद बिगड़ जाता है, वाणी भी हमारी निम्न स्तर की यानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं द्वेष के कारण। यानी क्या होता है, वाणी का कर्म हमारा अकुशल कर्म बन जाता है। इसलिए बहुत ही स्मृति के साथ में हमने यानी धम्म आचरण करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कभी कभी हम लोग किस तरह से बात करते हैं उसकी जागृति न होने के कारण ऐसा हमारे साथ में होता है। ये मेरे पास में मेरे यानी जीवन के अनुभव की बहुत सारी बातें हैं, हकीकत की बातें बताता हूँ। समता सैनिक दल के समय में हम लोग कराती की किताबें खरीदने के लिए वो शादियों में खाना परोसते हैं ना, तो खाना परोसने के ऑर्डर लिया करते थे। अब खाना परोसने के ऑर्डर में चले गए, शादी चल रही थी, अपना जो विधि संस्कार है चल रहा था, बाहर में हम एक 7-8 दोस्त मिलके खड़े थे, उसमें दोनों पार्टी के लोग थे, और किसी ने कह दिया, कुछ तो भी कह दिया किसी ने, और हमारे बीच में के एक दोस्त को बड़ा गुस्सा आ गया दूसरे ने कहने से। वो दूसरा जो कहने वाला था वो हमारा दोस्त नहीं था, लेकिन अब शादी में माहौल में खड़े थे, तो ये हमारा दोस्त क्या कहता है जो गुस्सा आ गया। उसने कहा कि भाई अगर हम पे कोई हाथ उठाता है तो हम उसका हाथ तोड़ देते हैं, कंधे से उखाड़ देते हैं, इस तरह से बात कही थी। वो उसको गुस्सा आ गया, उसने क्या किया, अपने 10-12 दोस्त खड़े कर लिए और बराबर खाना खाने के समय में वो जो खाना परोसते हैं उस समय में जानबूझ के उसने यानी मारपीट होनी चाहिए इस प्रकार से बर्ताव किया। किस वजह से, गुस्से पे गुस्सा, गुस्से पे गुस्सा, यह श्रृंखला जो है बढ़ती चली गई और इतनी भारी यानी मारपीट हुई, हमको वहाँ से भागना पड़ा, हमको वहाँ से भागना पड़ा। तो हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे बोलते हैं, है ना। उन्होंने क्या कहा, हम पे कि कोई हाथ उठाता है तो उसका हाथ हम तोड़ देते हैं। इसलिए हमारी वाणी क्या परिणाम करती है, हमारी वाणी से यानी किसी को कैसा द्वेष उत्पन्न होगा, इसके बारे में हम पूरी तरह से भूल जाते हैं, अजागृत होते हैं। भाइयों और बहनों, हमारे परिवार में यही बातें चलते रहती है। हमारे परिवार में बेटा और पिताजी, लड़की और उसकी माँ, नहीं क्या, ये सारे परिवार में एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर समस्याएं पैदा होती है।
और ये इसी प्रकार की समस्याएं होती है। इसलिए लोक स्वभाव से बाहर निकलने का हमने प्रयास किया तो हम आसानी से ये छोटी छोटी मानवीय नकारात्मक प्रवृत्तियां जो काम करती है, लोक स्वभाव के कारण हम जिसके शिकार हो जाते हैं उससे हम बाहर निकलेंगे और परिवार में सुसंवाद निर्माण करने का काम हम कर सकते हैं, उसमें हम सक्षम यानी बन सकते हैं। ये जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाते हैं। जितनी भी बहने हम लोग देखते हैं, जातीय दंगल किसका स्वरूप होता है ना, किसी की तो भी निंदा कर दी है ना, किसी के भगवान की निंदा कर दो या किसी के नेता की निंदा कर दो है ना, उसके बाद सारा माहौल बिगड़ जाता है। और जो यानी निरागस जो लोग हैं जिसका कोई दोष नहीं है, ऐसे लोग उसमें मारे जाते हैं। इतना भारी यानी परिणाम जो है जातीय दंगल के रूप में हम देखते हैं। तो निंदा करने से किस प्रकार की परिस्थितियां यानी पैदा कर देते हैं, इसके लिए हम जागरूक नहीं होते हैं। इसलिए राजकारणी जो लोग होते हैं इसका बहुत अच्छा लाभ उठाते हैं। उन्हें तो उनका पॉलिटिकल स्टंट होता है, उन्हें कुछ उसमें से अपना स्वार्थ यानी प्राप्त कर लेने की बातें होती है। तो यह भी हम लोग समझने की कोशिश करना चाहिए, इस प्रकार की घटनाएं जहां होती है तो वहां यानी समझौता कैसा निर्माण हो, वहां सुसंवाद कैसा निर्माण हो, इस तरह से हमने हमारी वाणी का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। प्राचीन समय का सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको देता हूं और फिर इसके आगे बढ़ता हूं। प्राचीन समय का उदाहरण अगर हम लोग देखते हैं तो अजात शत्रु का लीजिए। अजात शत्रु ने कैसे वज्जी लोगों को जीता? भाई और बहनों, उसने अपने जासूस भेजे और जासूस के द्वारा जो बहुत ही सुंदर बेहतरीन ऐसा वज्जी राज्य था, उन लोगों में एक दूसरे के बीच में अविश्वास पैदा किया, विभाजन निर्माण किया, उनका जो सुसंवाद था उसको बिगाड़ने का काम किया। जब एक दूसरे के भीतर में एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा हो गया, जब बिगुल बच जाता सारे लोग वज्जी इकट्ठा आने के लिए, तब यानी लोग अविश्वास के कारण आने नहीं लगे। ऐसी परिस्थिति जब पैदा हो गई तब अजात शत्रु को उस वर्षाकार ने निमंत्रण भेजा और अब सही परिस्थिति है, ये सारे गुटों में बट चुके हैं अविश्वास के कारण, एक दूसरे के प्रति बेबनाव के कारण यह वज्जी समुदाय जो है गुटों में बट चुका है। अभी सही मौका है इन पर आक्रमण किया जाए और इनको जीता जाए। और तब अजात शत्रु आकर आक्रमण करता है और वज्जियों को वह जीत लेता है। यह किस वजह से हुआ, उसके पीछे क्या है? निंदा काम करती है, उसके पीछे द्वेष काम करता है, एक दूसरे के बीच में अविश्वास पैदा करना, विभाजित एक दूसरे को करना, गुटों में बिखेर देना, इस प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्तियों से हम बिखर जाते हैं और धम्म से हम दूर चले जाते हैं। इसी प्रकार से स्तुति करने से कैसे गुमराह किया जाता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ कि अभी अभी यहाँ अखबार में जो न्यूज़ होती है वह न्यूज़ समाचार जो होता है, समाचार आया, वो समाचार में क्या लिखा था, इस भारत देश की जो ऐसी काफ़ी बड़ी ऐसी संस्था है ना, जो अभी यानी जिनकी सत्ता है, ऐसी जो सबसे बड़ी संस्था है उस संस्था के प्रमुख क्या कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धम्म को अपनाकर राष्ट्रभक्ति का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। बाबा साहब की स्तुति कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, बराबर है? क्या कहा उन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म को अपनाकर राष्ट्रभक्ति का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। हमारी संस्था यानी जिस संस्था से वो है, हमारी संस्था भी विश्व में भारत देश में राष्ट्रभक्ति का ही काम करती है, इसलिए राष्ट्रभक्ति हम भी करते हैं, राष्ट्रभक्ति आप भी करते हैं, इसलिए हम दोनों को जोड़ने वाला राष्ट्रभक्ति ये समान दुआ है, इसलिए आप सभी का स्वागत है, हम में सहभागी हो जाओ। जो संस्था
इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनानी चाहती है, संविधान होने के बावजूद भी ये प्रयास है, तो इस प्रकार के यानी समाचार से क्या होता है, आपकी स्तुति कर दी, बाबा साहब की स्तुति कर दी, इसलिए सभी गुमराह हो जाते हैं, अरे ये तो अपने ही भाई लोग हैं, है ना, और आप यानी उसमें शामिल हो जाते हैं, सहभागी हो जाते हैं। उनका मकसद भारत को बौद्धमय बनाना ये नहीं है, इसके बावजूद भी इस प्रकार से स्तुति करके गुमराह करने की जो बातें हैं वो भी की जाती है। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है, हम बुद्ध के और बाबा साहब के अच्छे शिष्य बनने के लिए हमने काफ़ी जागृति के साथ में धम्म का आचरण यानी करने की आवश्यकता होती है। इसलिए निंदा से जो तिरस्कार उत्पन्न होता है, या स्तुति से जो अहंकार उत्पन्न होता है, या फिर स्तुति से जो आसक्ति पैदा होती है, इसलिए क्या कहा तथागत ने इस गाथा में, कैसा उपदेश दिया, तादिनो, तादिनो का मतलब यानी आसक्ति से बाहर निकलो, तिरस्कार से बाहर निकलो। अच्छी बातें लगती है तो आसक्त मत हो जाओ, और बुरी बातें लगती है तो अपने आप में घृणा मत पैदा होने दो, तिरस्कार मत पैदा होने दो, आसक्ति और तिरस्कार से ऊपर निकल के आपके मन को निश्चल शांत विशाल शांति का अनुभव करो। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ बताया गया है।